हेलो एवरीवन, अगेन फ्रॉम इनसाइट टॉक्स, दिस इज स्वाति हियर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी को ये जानना है कि कोरोना के बाद में VFS ग्लोबल ने क्या चेंजेस किए हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्यों ना हो। तो ये एक जनरल वीडियो रहेगी। आपने किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और जिनको VFS ग्लोबल में जाने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए पूरी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। हो सकता है ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाए, बिकॉज मैं एक पूरी ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि जो वहाँ पे एग्जैक्टली होता है आफ्टर दिस COVID-19 सिनेरियो, जो चेंजेस आए हैं वो सारा आपको इसमें एक्सप्लेन होगा। सो कीप इन टच विद मी टिल द एंड, ताकि आपको सारी थिंग्स क्लियर हो जाएं बिफोर गोइंग टू VFS, आप हर चीज़ के लिए रेडी हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS ग्लोबल की, जो कि आपको मालूम है उनकी वेबसाइट से होगी। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सेकंड थिंग है, जब आपके पास वो प्रिंट आउट आप निकाल लोगे उस अपॉइंटमेंट का, देन उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंट एक चेक लिस्ट होती है, वो आपको प्रिपेयर करनी है। मेक श्योर उस चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे पेपर्स आपने अरेंज किए, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ टाइम टू डू दीज थिंग्स, बट स्टिल दे आर क्वाइट हेल्पफुल। देन नेक्स्ट थिंग इज दैट, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होगी, एटलीस्ट 2 sets और 3 sets बना के लेके जाइए, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है या देर आर सम थिंग्स जो कुछ पेपर क्लियर नहीं है, तो एटलीस्ट ऑन द स्पॉट यू कैन गिव दैट पेपर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, जब आपने ये सब कर लिया, आप रेडी हो, आप अपने अपॉइंटमेंट टाइम से एटलीस्ट 1 hour पहले वहाँ पहुँच जाइए, सो दैट यू विल बी रिलैक्स एंड यू विल बी देयर। 1/2 hour पहले आपको उधर एंटर करना है। यू हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी चेक है। द सिक्योरिटी गार्ड्स, व्हाट दे डू, दे चेक 2 things ऑन योर पेपर। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो आपकी अपॉइंटमेंट टाइमिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो आपको अंदर जाने देंगे, एटलीस्ट 1/2 hour पहले। सेकेंड थिंग इज आरोग्य सेतु ऐप, विदाउट आरोग्य सेतु ऐप यू कांट एंटर। और एक थर्ड थिंग मैंडेटरी है, डेफिनेटली द मास्क। मास्क आप कोशिश करिए कि कॉटन का ना हो, वो जो ब्लू कलर के थोड़े ट्रांसपेरेंट से होते हैं वैसे हो, ताकि आप जब बोल रहे हो किसी से बात करो, इट शुड बी क्लियर। मेंटेन द डिस्टेंस, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट, आपका वहाँ पे वो थर्मोस्टैट टेम्परेचर चेक करेंगे, देन यू कैन एंटर इनटू दैट वन। देन नेक्स्ट इज सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में मेक श्योर कि आप अपना लैपटॉप, आप अपने पेन ड्राइव वो ना लेके जाएं। वो अगर आपके साथ कोई पर्सन आया हुआ, आप उसको पहले से ही बाहर पकड़ा दें, ये अलाउड नहीं है। सो आपके सिक्योरिटी चेक के बाद यू नीड टू गो 1 level down, और वहाँ पे आपको अगेन सिक्योरिटी चेक, वहाँ पे फिर से आपकी अपॉइंटमेंट चेक होती है, देन दे गिव यू सैनिटाइजर एंड एवरीथिंग, और वो आपको बता देते कि आपको कौन से क्यू में और कौन सी तरफ जाना है, दे गिव यू द डायरेक्शन है, दे आर क्वाइट हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है। फिर वो आपको डायरेक्शन बता देते कि इस क्यू में आप खड़े हो जाइए, देन यू विल गेट, यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस। उन्होंने प्रॉपरली पूरा ऑन द फ्लोर सब कुछ मेंशन कर रखा हुआ है, आपको कितने दूर खड़ा होना है दूसरे पर्सन से, एवरीथिंग। बिफोर दैट आप एक एक्स्ट्रा पर्सन अंदर लेके जा सकते थे, बट अब जिसकी इंटरव्यू होगी, जिस कैंडिडेट की इंटरव्यू होगी, वही पर्सन अंदर जाएगा, चाहे उनके साथ कोई भी आया हो। अगेन आपकी सिक्योरिटी चेक होगा, और वो मेक श्योर करेंगे कि आपके पास लैपटॉप नहीं हो। मोबाइल फ़ोन इज़ अलाउड, यू कैन ब्रिंग योर मोबाइल फ़ोन, बट मेक श्योर वो साइलेंट हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू सम फॉर्मल प्रीमिसेस, ऑफ कोर्स ये आपकी ड्यूटी बनती है, इट शुड बी ऑन साइलेंट। देन उसके बाद आपको काउंटर नंबर 15 पे जाना है, और अदर काउंटर्स भी होते हैं वहाँ पे, अभी फ़िलहाल 2 or 3 काउंटर्स ओपन हैं। वहाँ पे आपने बताना है कि मैं पहले किस कंट्री के इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आया हूँ, देन यू नीड टू शो योर अपॉइंटमेंट एज वेल। वो उस अकॉर्डिंगली आपको एक स्लिप देंगे, जिसमें टोकन नंबर होता है बेसिकली, वो जिसमें आपको वो लिखा जाएगा कि आपका इंटरव्यू या आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट होंगे, स्लिप पे बेसिकली उस टोकन पे ये मेंशन होगा। देन यू नीड टू गो 1 level down अगेन एंड एंटर टू द VFS ग्लोबल। वहाँ पे सारी एम्बेसीज के आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, जो आपके टोकन पे मेंशन है, आपको उसी काउंटर पे जाना है। ही और शी विल बी योर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द VFS ग्लोबल। देन नेक्स्ट इज दैट वन, जब आप डेफिनेटली आप काउंटर के पास पहुंचेंगे, अगर देख लीजिए अगर उन्होंने आपका टोकन नंबर बुलाया है, देन यू नीड टू गो, अदरवाइज आप वहाँ पे पास में वेट करिए।
जब आपका टोकन की बारी आए, ऑफ कोर्स यू नीड टू ग्रीट, ये थोड़े से कह लो कि मैनर्स होते हैं, यू शुड शो दैट वन, और इससे इवन आपका जो कहते हैं ना कि टेंशन लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यू शुड गो विद दीज थिंग्स, विद द मैनर्स। ग्रीटिंग्स के बाद आप उनको अपना टोकन नंबर पकड़ाइए, देन उसके बाद आप उनको अपनी फाइल सबमिट कीजिए। 2 copies वो आपसे मांगेंगे, एक आपसे फोटोग्राफ्स भी मांगी जाएंगी, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि आपको ऐसी फ़ोटोग्राफ चाहिए होती फॉर एनी टाइप ऑफ वीज़ा। देन उसके बाद वो आपको पूरा टोटली मैच करके देंगे कि चेकलिस्ट के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी प्रॉपर है या नहीं, वो सीक्वेंस में है या नहीं। दे आर क्वाइट कोऑपरेटिव, मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए है, ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सको अगर इन एनी केस कोई प्रॉब्लम होती है तो। और मेक श्योर कि आपके चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें पूरे हों, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। विद इन VFS के अंदर ही आपको एक फोटोस्टेट की मशीन्स वगैरह मिल जाएंगी, बट वहाँ पे आपको प्रिंट आउट्स का जो फैसिलिटी है वो अभी नहीं मिल रही है ड्यू टू कोरोना, क्योंकि उन्होंने अंदर का जितना भी जोन है एक्स्ट्रा थिंग्स को बंद कर रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ VFS के काउंटर्स ओपन है, एक्स्ट्रा थिंग्स उन्होंने सब बंद कर रखा, इवन द कैफेटेरियाज एज वेल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट थिंग, आपने जब वो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, मेक श्योर आप भी उनके साथ पूरे अवेयर हो, ओपन माइंडेडली उस चीज़ों को सुनो, कोई उनको थिंग नहीं पता लग रही तो आप बताइए, आपको वो कुछ बता रहे हैं तो आप वो ध्यान से सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, वो आपको एक रिसीट देंगे प्रिंट आउट करके, एक लॉन्ग रिसीट होती है, अभी मैं आपको इवन एंड ऑफ द वीडियोस को शो भी करूँगी। उस रिसीट के अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करनी है, तो आपको वो पेमेंट काउंटर पे सेंड करेंगे कि आप पेमेंट करके आइए। अब पेमेंट 2 तरीके से हो रही है, एक तो जब भी आप VFS में जाएं, एटलीस्ट फॉर वन कैंडिडेट कम से कम 10,000 पॉकेट में लेके जाइए, कम से कम। और नेक्स्ट थिंग ये है, अगर आप उतना अमाउंट नहीं है या उससे कम है या ज़्यादा है, यू कैन ब्रिंग योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। देन अगेन वो आपको ये कहेंगे कि पेमेंट के बाद यू नीड टू गो अगेन टू द सेम काउंटर, आप वहाँ पे रिसीट दिखाइए, रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे, फिर वो आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देंगे जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर्स और ये सब वेरिफिकेशन होगी, आपको जो भी आपके रिजल्ट हैं वो कैसे सेंड किया जाए, आपको ईमेल के थ्रू चाहिए या आपको पोस्टल चाहिए, आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, एंड एवरीथिंग दैट हैज़ बीन मेंशनड ओवर देयर, उस पर आपके सिग्नेचर होंगे। और एक क्वेश्चन आंसर्स का पेपर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चंस काफ़ी जनरल होते हैं, जो इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन, व्हाई यू आर गोइंग देयर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट वन, क्या मेक श्योर आपकी हैंडराइटिंग क्लियर हो जाने से पहले, VFS के अंदर एंटर करने से पहले आपके पास पेन ज़रूर आपके पास होना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू राइट द क्वेश्चनर, यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस इन द रिटन फॉर्मेट एज वेल समटाइम्स। सो आप उसको करने के बाद फिर आपको कहा जाएगा, नाउ यू हैव टू गो फॉर द बायोमेट्रिक और द इंटरव्यू, वो डिपेंड करता है आप किस वीज़ा को आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी। VFS रिप्रेजेंटेटिव इज़ द मेन पर्सन जिससे आपको पूरी इंस्ट्रक्शन सुननी है, एंड अकॉर्डिंग टू हर हिज और हर गाइडलाइन आपको वर्क करना है। देन उसके बाद आपको वेट करने के लिए कहा जाएगा, इफ़ इट इज़ अ क्यू फॉर द इंटरव्यू, इफ़ इट इज़ अ क्यू फॉर द बायोमेट्रिक, यू नीड टू वेट। देन उसके बाद वहाँ से आपको कॉल आएगी, देन यू हैव टू एंटर फॉर द इंटरव्यू और बायोमेट्रिक, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वीज़ा यू आर अप्लाइंग। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे एक्चुअली में आपकी फाइल सबमिशन होती है, सो मेक श्योर जहाँ जहाँ आपने सिग्नेचर करने हैं प्रॉपरली आपने वहाँ सिग्नेचर किए हो, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके हाथ में होना, आपके बायोमेट्रिक, दैट मींस कि बायोमेट्रिक का मीनिंग होता है ऑल फिंगर्स एंड थम्स, टोटली यू नीड टू प्रेस ऑन द बायोमेट्रिक, ओके। फिर उसके बाद आपको एक स्कैन करके एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, देन दे कीप एवरीथिंग विद देम, वो आगे सबमिट करते हैं एम्बेसी में आपकी फ़ाइल को। अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो वो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग आगे फिर सबमिट होती है एम्बेसी में, सो दिस इज़ द प्रोसेस। फिर उसके बाद आप जब बायोमेट्रिक आपकी हो गई, आप जब बाहर आए हो, मेक श्योर कि आप ऐसे ही ना चले जाए, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव VFS रिप्रेजेंटेटिव को एक बार मिल के जाइए, एंड मेक श्योर आप उससे पूछिए, इज़ देयर एनीथिंग लेफ्ट और एनीथिंग समथिंग, नो नीड टू वरी अबाउट दैट एंड आस्क। और अगर वो आपको कहते हैं ओके, देन ओके, अदरवाइज
वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन दे आर गिविंग वो आपको फॉलो करनी होती है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से आराम से पूछ सकते हैं कि कोई इसमें डॉक्यूमेंट कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। तो वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर VFS के अंदर फोटोकॉपी मशीन है बट प्रिंटआउट्स नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। VFS ग्लोबल जो दिल्ली का है, जैसे उसकी मेरे को थोड़ी नॉलेज है तो मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। अक्रॉस द स्ट्रीट वहाँ पे आपको बेसिकली एक पेट्रोल पंप है और उसके पीछे ही एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे आप आराम से प्रिंटआउट निकाल सकते हो। मेक श्योर कि जो आपका अपॉइंटमेंट पेपर है आप उस पर लिखवा के जाओ रिप्रेजेंटेटिव से दैट आई एम कमिंग विद इन 30 मिनट्स और 1 आवर टाइम, जो भी टाइम स्पेन आपको बेसिकली चाहिए, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सबमिट करवा के ही बाहर आओ। ये गाइडलाइंस हैं जो आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है बिकॉज ऑफ द कोरोना। एक्स्ट्रा थिंग्स जो हैं, एक्स्ट्रा शॉप्स जो हैं, वो VFS ग्लोबल में बंद है, तो आप मेक श्योर ये रहिए स्पेसिफिकली जो दूसरी सिटी से जा रहे हैं, दूसरी स्टेट से जा रहे हैं वहाँ पे VFS दिल्ली में इंटरव्यू के लिए या अपनी फाइल सबमिशन के लिए, कि आपके जो चेक लिस्ट है वो प्रॉपर हो। कुछ अगर रह भी जाए तो उसका भी मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बता दिया है, क्योंकि अंदर एक्स्ट्रा थिंग्स बंद है तो आप वो दोबारा नहीं ले सकते। फिर उसके बाद बिफोर लीविंग द VFS मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास है। कुछ केसेस में पासपोर्ट उसी वक्त पास में रख लिया जाता है, कुछ केसेस में नहीं रखा जाता, तो मेक श्योर आपका पासपोर्ट भी आपके पास है, आपने सारा क्रॉस चेक कर लिया है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी थिंग्स पूरी हो चुकी हुई हैं, देन ओनली लीव द VFS बिकॉज वंस द थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट यू कैन नॉट गेट इट बैक, तब आप आराम से बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली उनको दे के आए हैं, सब कुछ करके आए हैं, फिर ही बाहर आइएगा। और मैं अब आपको वो स्लिप दिखाती हूँ जहाँ से आप एप्लीकेशन ट्रेस कर सकते हैं। ये मेरे एक स्टूडेंट की रिसीट है, उसकी मैं एग्जांपल बता रही हूँ। आप इसमें लास्ट में जाके रेफरेंस नंबर, और ये रेफरेंस नंबर चेक कर सकते हैं VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाके, इस नंबर को आप डाल सकते हैं। उसमें आपका लास्ट नेम पूछा जाएगा और उसके बाद एक इमेज होगी, आपको उसके क्रेडेंशियल्स डालने हैं, देन यू सबमिट इट और आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता लग जाए। कुछ केसेस में किसी भी टाइम पे, नॉट द सेम डे बट नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे, विद इन अ वीक आपको कॉल भी आ सकती है एम्बेसी से या VFS से टू क्रॉस चेक एवरीथिंग। तो मेक श्योर रहिए कि जो भी आपने फ़ोन नंबर वहाँ पे लिख के आए हैं वो आपका वर्किंग हो, वो आप उस कॉल को मिस ना करें, बिकॉज एम्बेसी इन चीज़ों को भी रिकॉर्ड करती है कि आपने कॉल नहीं उठाया या आपने कॉल रिसीव नहीं किया या आपने कॉल कट कर दिया, तो वो भी उनके रिकॉर्ड में ये मेंशन हो जाता है। तो मेक श्योर आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी करेक्ट हो और आप उसे रेगुलरली चेक करें, क्योंकि ये वीज़ा के प्रोसेस का पार्ट है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर अभी भी कुछ मिसिंग रह गया, अभी भी कोई माइंड में आपके डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।